फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपके न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 10:30 बजे से। तो मैं जा रही हूँ अभी डाक उत्तर, दिखाती हूँ मैं आपको कि वहाँ पे मेरा क्या क्या काम है। तो गाइस, यहाँ पे मैं तैयार हो गया, मैं बाल बांध ली। गाइस, मेरे बाल पता कैसे है, मैं तेल नहीं लगाती कभी बालों में, फिर जल्दी उझल जाते चाहे मैं कितनी कंघी लगाऊँ। देखना, अभी मैं कंघी लगा दी एक बार पूरी, और फिर अभी जैसे फिर बांधूंगी फिर ऐसे उजल जाते हैं। पता नहीं कैसे है मेरे बाल गाइस, इतने बेकार है, इतने उजल जाते हैं कि क्या बोली, क्योंकि मैं तेल नहीं लगाती कभी बालों में। मैं कभी भी कौन से तेल नहीं लगाती बालों में, देख सकते हैं आप, यहाँ पे इतने उजलते मेरे बाल कि क्या बोले। और अगर किसी को गाइस डैंड्रफ की दवाई पता हो तो मेरे को बता देना, क्योंकि मेरे बालों में इतने डैंड्रफ हो रखे कि मैं बोल नहीं सकती, इतनी ज़्यादा हो रखी डैंड्रफ की क्या बोले अब। तो यहाँ पे गाइस मैं रबर और ढूंढ रही हूँ, और मेरे को बाल बांधना ना स्टाइल से बिल्कुल नहीं आता, जैसे किसी लड़के को स्टाइल से आता है बांधना, मेरे को बिल्कुल नहीं आता ऐसे स्टाइल से बांधना। बस मैं पीने लगाती हूँ ऐसे बांध देती हूँ, क्योंकि मेरे को स्टाइल से बाल बांधने आते ही नहीं, मैंने कभी स्टाइल से आज तक बांधे नहीं और ना मेरे को आते हैं स्टाइल से बांधने बाल। तो मैं ऐसे ही पीने लगाती हूँ, फिर चोटी बनाती हूँ। मैं ज़्यादा कर जूड़ा ही बना के रखती हूँ बालों का, आज मैं इसलिए बना रही क्योंकि मैं शाम को बाल धोऊंगी तब मैं चोटी बना रही। वैसे ज़्यादा कर मैं जूड़ा ही बना के रखती हूँ बालों का। तो देख सकते हैं कितने उजल गए, अभी मैंने पूरे बालों में कंघी लगाई थी और अभी वापस इतने उजल गए। पता नहीं कैसे गाइस मेरे बाल इतने उजल जाते हैं कि। तो मैं यहाँ पे चोटी बना रही हूँ अब। तो गाइस मैं कर रही हूँ इसमें इसको सेटअप, क्योंकि मैं आज ब्लॉग में करूँगी तो मैं इसको इसमें सेटअप करी। I look at you and it's easy to see. You are the someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. इसमें जा रही अभी पैदल मेन रोड के लिए। तो गाइस यहाँ पे एक गाय है, ऐसे भगा रखी इसको जंगल में, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं आजकल। देखो गाइस ये इसके बच्चे पीछे। तो यार ऐसा मत करो, जब आप पाल नहीं सकते तो लाओ भी मत, ऐसे ही मत भगाओ बेचारे इस टाइम में। देखो गाइस उस गाय का बच्चा है, कितना छोटा था, वैसे भगा रखा। अरे एक गाय ये ऐसे भगा देते, पता नहीं कैसे कैसे लोग। मैं बैठ रखी अभी थोड़ी देर दुकान पे, यहाँ पे हमारी दुकान है तो यहाँ पे बैठ रखी मैं थोड़ी देर।
तो गाइस मैं पहुंच गई कालसी गेट, दिखाती हूँ मैं आपको कालसी गेट का व्यू कैसा है। देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से कालसी गेट का। तो मैं मैजिक में हूँ तो मैजिक से दिखा रही हूँ, इसलिए बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा। तो मैजिक यहाँ से चले गया तो मैं विकास नगर डाक पत्थर जा रही हूँ। तो अभी पहुँच गई मैं डाक पत्थर, मैं ऑटो में हूँ तो डाक पत्थर मेरा काम है तो इसलिए मैं डाक पत्थर आ रखी हूँ। तो यहाँ का देखो व्यू डाक पत्थर का, यहाँ पे अभी बहुत अच्छी धूप हो रखी है। जो मेरा डाक पत्थर में काम था वो मैंने कर दिया, अभी मैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठ रखी हूँ, दिखाती हूँ मैं यहाँ का व्यू कैसा है। व्यू कुछ ऐसा है, देखो इस जगह पे बैठ रखी मैं थोड़ी देर। गाइस तो यहाँ पे हम एक राउंड ऐसे घूमने जा रहे थे, देख रहे थे वैराज का क्या हाल है आजकल, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था वैराज को देखने नहीं गए थे। तो एक राउंड ऐसे स्कूटी से हम घूमने गए इधर को, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू हो रहा वैराज का, तो अगर किसी को घूमने आना तो आजकल आ सकते क्योंकि आजकल यहाँ पर अच्छा व्यू हो रखा। घर पे पहुंच गई तो अभी मैं घर पे बैठ रही हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको चूल्हे के पास। और ये है मेरा भाई जो बहुत शैतान है। ये है बच्चों का खेल, क्या कर रहा ये, क्या कर रहा रे, क्या कर रहा, क्या हो गया, राग भरी मुँह तू ना कालू करे। गाइस देखो ये तो है बच्चों का खेल यार तू खाना तो दो बेबी को को धर मुंह दे। ओए तू स्कूल में पढ़ाई करता है, तुझको याद है ना? अच्छा तू करती थी? हाँ मैं करती थी तब अपने काम पे अपने काम रख। अच्छा 10 रुपए। यहाँ पे मेरी चाची आटा गूंद रही है, तो देखो गाइस हम रोटी चूल्हे पे बनाते हैं यहाँ पे, फिर पानी गर्म भी होता है। देखो यहाँ पे आटा गूंद रही चाची, फिर हम चूल्हे पे रोटी बनाएंगे। इस ब्लॉग को हम यहीं करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप बने रहना मेरे ब्लॉग में।